सातवें भाव के बारे में, जैसा कि आप पीछे से प्रथम भाव से सभी जानकारी पिछली वीडियो में देखते आ रहे हैं। तो पिछली वीडियो अगर आपने देखनी है तो मेरे YouTube चैनल आस्ट्रो त्रिखा पर आप पिछली वीडियो सभी देखिए। और आज जानते हैं सप्तम भाव कुंडली का क्या बताता है, इससे हम क्या क्या देख सकते हैं। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली के सप्तम भाव को कलत्र स्थान भी कहते हैं, और इस स्थान को के लिए प्रमुखतः जो है पति पत्नी के लिए देखा जाता है। यदि यह कुंडली किसी पुरुष की है तो वह इस भाव से अपनी पत्नी के बारे में जान सकता है, उसकी पत्नी के बारे में जाना जा सकता है। और यदि किसी स्त्री की है तो वह अपने पति के बारे में, यानी पति या पत्नी के बारे में इस कुंडली से जाना जा सकता है। इस सप्तम भाव से, सेवंथ हाउस से आप जान सकते हैं पति पत्नी के बारे में। और क्या जान सकते हैं, इससे जान सकते हैं आप दाम्पत्य जीवन के बारे में कि उनका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। जिस प्रकार से प्रथम भाव से व्यक्ति के अपने बारे में जाना जा सकता है, उसका रंग रूप, उसका स्वभाव, उसका चरित्र आदि कैसा रहेगा, इसी प्रकार से सप्तम भाव के से जो है उसके जीवन साथी के बारे में, चाहे वह पत्नी हो या पति हो, उसके बारे में जाना जा सकता है कि उसका जीवन साथी का स्वभाव कैसा रहेगा। उसके प्रति मतलब यदि पुरुष है तो उसकी पत्नी का स्वभाव कैसा रहेगा, उसके लिए समर्पित कितना रहेगी, और यदि स्त्री की है तो उसका पति उसके लिए कैसा रहेगा, उसका जीवन साथी कैसा रहेगा, उसके लिए जाना जाता है। उनके दाम्पत्य जीवन में कितना सुख रहेगा इस बारे में जाना जाता है इस सेवंथ हाउस से। और इससे काम वासना से संबंधित जानकारी भी आप इसी सेवंथ हाउस से ले सकते हैं। इसे गृहस्थी का घर भी बोला जाता है, घर गृहस्थी का घर। और घर गृहस्थी कैसी रहेगी उनकी दाम्पत्य जीवन में, यानी घर गृहस्थी कैसी रहेगी, सुखी रहेगी या नहीं रहेगी, इसके बारे में जो विचार किया जाता है तो कुंडली के सप्तम भाव से विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार से यह पति पत्नी के बीच में पार्टनरशिप एक होती है, इसी प्रकार से व्यवसाय के बीच में भी पार्टनरशिप यानी साझेदारी के पार्टनरशिप किसी पार्टनर के साथ कैसी रहेगी, उसके साथ साझेदारी कैसी रहेगी, व्यापार के बारे में भी इसमें साझेदारी के लिए देखा जाता है कि व्यापार में साझेदारी कैसी रहेगी। इसके अतिरिक्त यदि आय के बारे में देखें तो इसमें डेली इनकम, रोजाना रोजमर्रा की इनकम जो है कईयों की एक साथ रहती है, और किस कुछ की आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, बदलती भी रहती है। तो इसलिए डेली की इनकम जो है उसके बारे में भी इस सप्तम भाव से देखा जाता है। और साथ में ही इसमें करार के बारे में, चाहे वह वैवाहिक जीवन का करार हो, आपस में एक समझौता जिसे बोलते हैं वह करार हो, या साझेदारी करार जो है व्यापार में हो, उस करार के बारे में भी इस सप्तम भाव से देखा जाता है। और इससे सामाजिक जीवन के बारे में कि हमारा सामाजिक जीवन कैसा रहेगा, जो जातक है उसका सामाजिक जीवन कैसा है, उसका समाज में रुतबा कैसा है, उसके समाज में इज्जत कैसी है, मान मर्यादा उसकी सब कुछ इससे समाज समाज से संबंधित जो है, समाज से कैसा वह किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो इससे समाज का जुड़ाव भी देखा जाए जाता है। और शरीर के अंगों के बारे में कहें तो इससे शरीर के गुप्त अंग जो है
स्त्री या पुरुष के गुप्तांग या जनन अंग जिन्हें कहते हैं, उनके बारे में और उनके रोगों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में भी देखा जाता है, पुरुषों के शुक्राणुओं के बारे में भी इस भाव से विचार किया जाता है। और इससे जिस प्रकार से पीछे हमने एक भाव में बताया था कि शत्रुओं के बारे में, उसमें गुप्त शत्रु वगैरह भी हो सकते थे, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष शत्रु जो पीछे से वार करने वाले नहीं, सामने से वार करने वाले, जिनका पता हो हमें कि यह शत्रु है, उन शत्रुओं के बारे में भी इस सेवंथ हाउस से यानी सप्तम भाव से पता किया जाता है। और इसमें अधिकतर लोग जो है जानना चाहते हैं कि उनकी शादी में देरी हो रही है, उसके कारण इस भाव से जाने से जा सकते हैं कि शादी में देरी होगी या विलंब होगा या नहीं होगा। उसका सीधा सा एक छोटे से उदाहरण देता हूं मैं, जैसे शादी में देरी के उदाहरण, यदि शनि और राहु सप्तम भाव में इनकी युति है और इस भाव को कोई नीच ग्रह और देख रहे हैं, उसकी दृष्टि इस पर पड़ रही है, तो शादी में देरी होती है। और इसका और भी कई कारण है, जैसे शनि और मंगल की युति भी देरी का कारण बनती है, मंगल और राहु की युति भी जो है देरी का कारण बनती है, सूर्य और मंगल यदि इसमें है तो वह भी जातक की शादी में उससे भी देरी होती है। और शादी में शीघ्रता का जो इसमें देखा गया कि यदि इसमें शुभ ग्रह बैठे हैं, शुक्र गुरु और चंद शुभ ग्रह बैठे हैं इसमें और पूरे ताकतवर बैठे हैं, शुक्र हो गुरु हो या चंद्र हो, अगर ताकतवर होकर मजबूत स्थिति में इसमें बैठे हैं तो ऐसे जातक की शादी शीघ्र होती है, यानी 24-25 साल तक की आयु में ऐसे जातकों की शादी हो जाती है। यदि गुरु को कोई नीच ग्रह ना देख रहा हो तो बहुत ही जल्दी 20 से 25 तक की आयु में भी शादी इसमें हो जाती है। और यदि बुध इसमें अच्छी स्थिति में, मजबूत स्थिति में बैठा है, उसे कोई निम्न ग्रह की उस पर दृष्टि नहीं पड़ रही, तो समझिए कि जातक की अति शीघ्र शादी होती है, 18 से लेकर 22 साल तक की आयु में उस जातक की शादी इसमें हो सकती है। और इससे इसके अलावा इसमें विदेश यात्रा के बारे में भी देखा जाता है, विदेश की लंबी लंबी नहीं छोटी यात्राओं के बारे में, हालांकि विदेश यात्रा का हम 12वें भाव से भी देखते हैं, लेकिन इसमें विदेश में जाकर प्रवास करने वाले जो विदेश में अपना घर बना लेते हैं उनके बारे में, ऐसे जातकों के बारे में भी इससे विचार किया जाता है कि विदेश में जाकर के प्रवास कर लेंगे, वही जाकर अपना घर बना लेंगे, अपने कारोबार वही स्थापित कर लेंगे, ऐसे जातकों के बारे में भी इस भाव से देखा जाता है, हालांकि विदेश यात्रा के योग 12वें भाव से देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम 7वें भाव में क्या क्या देख सकते हैं इसकी जानकारी आपने ली, और आप मेरी सभी वीडियो को देखते रहिए, जब तक आप कुछ पूरी वीडियो सारी की सारी नहीं देखेंगे तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। और पिछली सभी वीडियो मेरे YouTube चैनल आस्ट्रो परीक्षा पर देखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए, इसी के साथ आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।